दिनेशु देसवाल के जाने के बाद उनका बेटा कैसे उनको याद करके रोने लगता है। इस वीडियो को देखने के बाद तो गाइस आप देख सकते हो निशु भाई का बच्चा जो कि सिर्फ 6 महीने का है वो कितना रो रहा है अपने पापा को मिस करते हुए। और वहीं उनकी माँ की हाल कुछ ऐसा है और उनकी पत्नी का हाल कुछ ऐसा है जो कि हॉस्पिटल का वीडियो है, ये देखो। और वहीं साथ ही एल्विस भाई ने कुछ ऐसा रिएक्ट किया उनके श्रद्धांजलि पे। हमारे भाई थे निशु देसवाल, मतलब मेरे को सुनने सुनने में आई कि ऐसा कुछ ट्रैक्टर वगैरह स्टंट बनाते थे और स्टीयरिंग के बीच में दोनों दब गए ऐसे। भगवान भाई की आत्मा को शांति दे और भाई हमारे YouTube कम्युनिटी से ही थे। और गाइस मैं अब आपको बताने वाला हूँ इस पूरे फसाद की जड़, बोले तो इस एक्सीडेंट का कारण क्या है, वो सिर्फ एक नट, वो देखो आप। अब आप खुद देखिए, जब निशु भाई ने स्वराज 855 में बड़े बड़े टायर डाले तो उसकी वजह से उन्हें मड़गाड़ को ऊंचा करना पड़ा, जिसके लिए उन्होंने मड़गाड़ के नीचे 2 मोटी मोटी लोहे की फट्टियां रख दी और इन लोहे की चादरों और यू बाइक की वजह से स्क्रू अच्छे से टाइट भी नहीं हो पाया। साथ ही उनके मड़गाड़ में लगाए गए नट की चूड़ियां भी खराब हो रही थी, जिसके बारे में उन्होंने खुद वीडियो में जिक्र किया है। कितनी खराब हो रही इसकी। एक बात मैं कहना चाहूंगा, निशु भाई लीजेंड थे, लीजेंड रहेंगे, क्योंकि आज भी वो लाखों करोड़ों फैंस के दिलों पर राज करते हैं, जैसे कि आप यही देख लो अभी। गाइज मैं एक बात कहना चाहूंगा, सिद्धू जैसे गाने नहीं और निशु भाई जैसे कोई टोचन किंग नहीं, ये हमेशा याद रहेगा, दोनों ऑलवेज लीजेंड है लीजेंड रहेंगे। तो भावपूर्वक अपने निशु भाई को श्रद्धांजलि, जो कि ऐसा नहीं होना था, वो सिर्फ एक नट के वजह से हुआ था। और निशु भाई ने पहले भी कह दिया था कि हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा, तो पर ऐसा नहीं होना था। तो सब बड़े बड़े कलाकार उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, मैं भी अपने तरफ से भावपूर्वक श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। तो जब तक किस्मत साथ दे रही भाई दे रही, जिस दिन किस्मत ने साथ छोड़ दिया नहीं उस दिन तो फिर भाई स्टेटस से लाग दे रहा जंगे। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जब तक के जय हिंद जय भारत।